नमस्कार, आप इंडिया में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद भाजपा प्रत्याशी चंद्रसेन जादौन को जिताने के लिए मैदान में उतरी योगी सेना संघ नगर विधायक मनीष सचिजा। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजन के साथ आर्थो गोलस की रिपोर्ट। पालीवाल हाल में योगी सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम महासम्मेलन में योगी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ नगर विधायक मनीष सचिजा कार्यकर्ताओं ने किया जोशीला स्वागत। उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद में आज पालीवाल हाल में योगी सेना द्वारा महासम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें योगी सेना के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पहुंचे, जिनके साथ में मंच पर नगर विधायक मनीष सचिजा एवं पार्षदगण मौजूद रहे। इस महासम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप ने संगठन के बारे में बताया। साथ ही जब हमने नगर विधायक मनीष सचिजा से बात की और उनसे पूछा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में खुद को किस तरह पेश कर रही है, जिसके जवाब में नगर विधायक मनीष सचिजा बोलते हुए कहा कि आज फिरोजाबाद की जरूरत है डॉक्टर चंद सिंह जादौन, जो कि एक पुराने सीधे साच्चे कार्यकर्ता है। प्रश्न आपने मुझको दिल से सुहानी वाला बोला है। देखिए भाई साहब, आप सब लोग सम्मानीय पत्रकार बंधु हैं, लोकतंत्र का वह चौथा मजबूत खंभा है कि आपकी ताकत और जनतंत्र में मूल आत्मा जनता की आवाज़, ये दो चीज़ें अच्छे अच्छे गठबंधन या कोई दूसरा शब्द भी बोलते हैं, मेरी आदत रही दूसरों पे उंगली उठाने की। मैं बस आपके माध्यम से एक सवाल अपने नगरवासियों और जिले वासियों के सामने छोड़ता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, 80-90% लोग किसी भी मोहल्ले के हों, चाहे हाजीपुरा के हों, चाहे भाऊ के नगला के हों, चाहे सैलई के हों, मैं जानबूझ कर इन मोहल्लों के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आदमी कहता है कि ये वोट उसका है, वो वोट उसका। हम कहते हैं कि देश का हर नागरिक एक समान, प्रदेश का और जिले का हर मतदाता एक समान। हर मोहल्ले में आपको एक आवाज़ मिलेगी कि साहब हमें भलमनसाद पसंद है। व्यापारी कहेगा कि लेन देन हमारा साफ होना चाहिए। पड़ोसी होगा कहेगा भाई साहब पास पड़ोस में प्रेम होना चाहिए। बहन बेटी साझा होती हैं, वो किसी जाति धर्म की नहीं होती। हर घर चाहेगा मेरी बहन मेरी बेटी घर से निकले घर को लौटे तो उसको मान सम्मान इज्जत, यही तो चाहेगा। तो 90% आदमी कहता है कि हमको भलमनसाद चाहिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि भाजपा का लोकसभा का प्रत्याशी चंद्रसेन यादव सभी कह रहे हैं बहुत सीधा है, बहुत भला है, तो भैया एक बात बताओ, भले को गले में नहीं उतारोगे तो किने उतारो, किने? प्रसपा को, सपा को? लड़ने वालों के नाम लूं? कहती है ना, नाम ही काफ़ी है। फिरोजाबाद में अगर एक भले को हम नहीं पचाएंगे तो इनको कौन पचाएगा? ये प्रत्याशी यहीं जन्म से पैदा हुआ, यहीं रह रहा है, सिरसागंज में रह रहा है, कोई भारत में राष्ट्रवादी शक्तियों को ताकत देगा। मैं योगी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जी को और उनके सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ कि इस धर्म युद्ध में, इस चुनाव में वो हम सब लोगों का, भाजपा का हाथ मजबूत करने आए। राजनीतिक व्यक्ति है और सबसे बड़ी बात, इस व्यक्ति के पीछे भाजपा की, मोदी सेना की, ऐसी राष्ट्रवादी शक्तियों की पूरी ताकत है। यह प्रत्याशी जीतेंगे मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसलिए सभी को शुभकामनाएं। आज का प्रोग्राम ये हमारा उत्तर भारत का प्रोग्राम है, हमने आगरा में भी प्रोग्राम किया, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश के 2 निकले हैं। योगी सेना भारत के सभी 724 जिलों में काम कर रही है। हमारे 400 जिले ऐसे हैं जिनकी जिला कार्यकारिणी कंप्लीट हो चुकी है। और आज के टाइम में जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी 40 लोकसभा सीटें हैं, चाहे राजस्थान की अलवर हो, झारखंड की पलामू हो या यूपी की सीटें हों, 40 सीटें जहाँ पे हमारे 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए काम करते हैं और अब की बार योगी आदित्यनाथ जी भाजपा में हैं तो हम भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2024 में 543 सीटों पे, 3300 विधानसभाओं पे और 724 जिलों में हम योगी जी के लिए एक बड़ी टीम तैयार करेंगे। हमने 10 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया है और हमारा अभियान चल रहा है। आज तक की सदस्यता के अनुसार हमारे 55,00,000 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और केरला तक में हमारे संगठन हैं। इसके अलावा संगठन के नेपाल में 3 ऑफिस हैं, बांग्लादेश में 2 ऑफिस हैं। संगठन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा है और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है। सर, आज योगी सरकार को लगातार लमसम 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और जैसे अभी बोला भी जा रहा था,
पूरे जैसा भी बोला भी जा रहा था कि योगी सरकार में जो अत्याचार है वो काफी हद तक कम हो गए, लेकिन हमारे फिरोजाबाद शहर में देखा जाए तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि आज मतलब आम मजदूरों को मतलब बंधक बनाकर उनको मारपीट करते हैं, उनकी आज जो तहरीर है वो थाने तक में नहीं ली जा रही है। आपने ही बोला है कि हद तक कम हो गए हैं, आप इनको 5 साल और दिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपने खुद ही बोला है कि हद तक कम हो गए। पहले यूपी को गुंडा राज की तरह देखा जाता था, यूपी के लोग दूसरे राज्यों में जाते थे तो उनको गुंडे की तरह देखा जाता था, लेकिन अब यूपी के लोगों की कितनी, आप कहीं भी जाइए यूपी में देखिए, रात को लड़की आराम से घूम सकती है। योगी जी के कारण ही आप देख सकते हो यहाँ पे स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है, और योगी जी नहीं मोदी जी ने भी भारत का नाम दूसरे देशों में कितना ऊंचा किया आप देख सकते हो। और आज के टाइम में अगर हिंदुत्व को बचाना है तो भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और 2019 में मोदी और 2024 में योगी ही हमारा लक्ष्य है।